दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं यानी एयरटेल बैंक के सीएसपी संचालक हैं, अगर आपका भी यूजर आईडी ब्लॉक हो गया है, आपका भी आईडी ब्लॉक हो गया है, यानी जब भी ना आप एयरटेल पेमेंट बैंक पर ना अपना लागू नंबर डाल के पासवर्ड डाल के ना आप लॉग इन पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी ब्लॉक यहाँ पर आपको लिख के आता है। तो आपको ना किस प्रकार से अनब्लॉक करना है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको ना किस प्रकार से यूजर आईडी को अनब्लॉक करना है, और साथ में ये भी बताने वाला हूँ कि आपको ना किस कारण से आपका आईडी जो है ना ब्लॉक होता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ना यूजर आईडी ने सिर्फ दो कारण से यहाँ पर आपका ब्लॉक कर दिया जाता है। पहला कारण यह है कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं उस आईडी से, तो यहाँ पर आपका जो है ना यूजर आईडी यहाँ पर इस कारण जो है ना ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते तो यहाँ पर आपका यूजर आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर आपका जो है ना पासवर्ड एक्सपायरी हो जाता है। अगर आप पासवर्ड चेंज नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका पासवर्ड एक्सपायरी हो जाता है, तो इस कारण से जो है ना आपका यूजर आईडी ब्लॉक हो जाता है। अगर आपके में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपका भी यूजर आईडी ब्लॉक हो गया है, तो आपको ना किस प्रकार से अनब्लॉक करना है, तो सबसे पहले आपको एयरटेल मित्रा पर आ जाना और बैंक वाले सेक्शन पर आपको यहाँ पर लागू नंबर डालना, और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं फॉरगेट, तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ पर आपको लागू नंबर डालना, और यहाँ पर आपको जैसे कि देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देते तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डालना होगा, यानी आपके रजिस्टर लागू नंबर पर ओटीपी आया होगा, तो वह ओटीपी आपको यहाँ पर डालना। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं न्यू पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर नया पासवर्ड यहाँ पर आपको बनाना होगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं कन्फर्म पासवर्ड, तो आपको यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल लेना। जैसे आप कन्फर्म पासवर्ड आप डाल लेते तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं क्रिएट, तो आपको यहाँ पर क्रिएट पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। तो यहाँ से आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुल यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो आपको ना एयरटेल पेमेंट बैंक के लॉगिन वाले सेक्शन पर आना, तो यहाँ पर आपको लागू नंबर डाल के और जो भी आपने नया पासवर्ड बनाया तो आपको ना वही पासवर्ड यहाँ पर आपको डालना, फिर आपको यहाँ पर लॉगिन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। तो आपको ना यहाँ से ना एयरटेल पेमेंट बैंक का आईडी यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका भी ना यूजर आईडी ब्लॉक हुआ तो आपको ना इसी प्रकार से अनब्लॉक करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी समस्या आती है तो आप मुझसे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कराना, आगे भी आपको ऐसी वीडियो हमारे चैनल में मिलेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।